श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद यात्रा के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने भी शिरकत की। इस दौरान पार्टी प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में अब बीजेपी और कांग्रेस की बारी बारी से सरकार नहीं चलेगी, तीसरे विकल्प के रूप में लोग आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप पार्टी कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा के जरिए पुराने कार्यकर्ताओं को वापस मुख्यधारा में लाने और नए लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्य के संगठन प्रभारी दुष्यंत यादव के अलावा बीकानेर संभाग प्रभारी भी मौजूद रहे। प्रशासन, हमने पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाली है, जिसमें हम सातों संभाग में जा रहे हैं। सातों संभाग में जाके हम संगठन को मजबूत करने की बात करें, ऐसे संगठन बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें पुरानों का एक्सपीरियंस और नयों का जोश हो, तो एक मिश्रित संगठन बने। इसमें हम प्रदेश स्तर के, लोकसभा स्तर के, विधानसभा स्तर के, जिला स्तर के जितने पदाधिकारी, उनसे चर्चा करके कैसे संगठन को मजबूत करना है उस पर बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो सातों संभाग में जो समस्याएँ हैं जिसको लेकर हमें एक आंदोलन बनाना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए, जिसपे आम आदमी पार्टी आदमी की उम्मीद बनकर सड़क पर उतरे, उस पर हम लोग